कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट में फिर से म्यूटेशन हुआ और इसका एक नया सब वेरिएंट सामने आया है। WHO ने भारत और कई देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट B.2.75 के मिलने की पुष्टि की, साथ ही सतर्क रहने को कहा। WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत और अन्य देशों में कोरोना वायरस के इस नए रूप का पता चला यूरोप और अमेरिका में ओमिक्रॉन के BA.4 और BA.5 के कारण कोरोना लहर चल रही है। इसी बीच भारत समेत कुछ देशों में BA.2.75 नाम के एक नए सब स्ट्रेन का पता चला, इस पर नजर रखी जा रही है। दावा है कि BA.2.75 के मामले भारत के अलावा 7 और देशों में सामने आए। इसके अलावा भारत समेत कई देशों में कोरोना के मामलों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 2 सप्ताह में दुनिया भर में कोरोना के नए मामलों में करीब 30% की बढ़ोतरी हुई, जबकि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,930 नए केस सामने आए, जबकि 35 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। वहीं 14,650 मरीज ठीक होकर घर लौटे। भारत में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,19,457 जा पहुंची है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 4.32% पर पहुंचा है।